स्वागतम केशव सर, मैं हूं आमेंग। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल आमेंग ताराम। सो हां गाइस, आज हम बहुत खुश है क्योंकि चेहरा में जो किरण आ रहा है ना, वैसे पहचान जाओ कि आज धूप निकल चुका है। देख सकते हम बहुत खुश है, जिसके देख सकते आज मौसम पूरा धूप है। और धूप किधर है वो देख सकते ऊपर धूप है। तो आज हम प्लानिंग किया कि थोड़ा बहुत घर को वापस साफ कर लेगा बोलते, क्योंकि बारिश की वजह से ना इतना घर गंदा हो गया मत पूछो। हम लोग पहले येलो कलर का बाल्ब यूज करता था, अभी व्हाइट कलर का बाल्ब डाला है तो और भी गंदा लग रहा है घर। सो साफ करना पड़ेगा। आज का वीडियो होगा क्लीनिंग घर अभियान पार्ट 3। यस, पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, अभी 3 का बार। सो वीडियो पर आगे बनी रहे। देख सकते हैं घर भर बात हो गया बैठा है दोबारा से बारिश का समय में, पूरा का पूरा देख सकते हैं इधर मिट्टी होके बैठा है, जिन को भी साफ करना पड़ेगा। और देख सकते हैं घर का हालत कैसे है अभी, घर है ना खबर खाना है, समझ में नहीं आ रहा इतना गंदा। साफ करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले हम ये टेबल हो गया, इसका तो गेस्ट टेबल हो गया, ये सब लोग पहले साफ कर लेगा जो ऊपर में। सो वीडियो पर आगे बने रहे। तो हाँ गैस, अभी देख कि बहुत गंदा है, इसका भी के लिए ऐसे रह गया डब्बा लोग को, बाद में जब हम इसको अच्छे से मूस मास कर देगा तब ये डब्बा लोग को भी अच्छे से मैनेज करके रख देगा। और देख सकते हैं पीछे कौन सो रहा है, ये है कुतू। देख सकते हैं इसके पाव का निशान दिख रहा है, हमें अपने पाव का निशान में सो रहे तुम कुतू। ये गेस्ट टेबल को साफ कर लिया, अभी ये सब देख सकते हैं सामान लोग भी जहाँ तहाँ पड़ा हुआ, तो सामान लोग एक जगह में ऑर्गेनाइज करके अभी इसको रखना पड़ेगा। सामान तो लोग रख चुका है, और अभी बारी आता है जो कि हमेशा सबसे पहले साफ करता है, जो कि है गुलू। ये चूल्हा को सबसे पहले हम लोग साफ करेगा। तो हाँ गई चीजें देख सकते हैं, इसका अभी मूस चुका है तो अभी भी लेकिन गंदा लग रहा होगा क्योंकि अभी तक अच्छे से नहीं सूखा है और अच्छे का मुझे साफ नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि जो तख्ता देख रहा है इनको भी साफ करना पड़ेगा हमको। जब ये सूख जाएगा तब लास्टली उसको हम फिनिशिंग टच दे देगा। तो अभी ये जो नीचे देख रहे हैं चांग है बेम्बू से बनाया गया, इसको अभी मूसना पड़ेगा। लेकिन हाँ गाइस, ये सबको मूसने से पहले क्या करना पड़ता है, हम लोग को झाड़ू मारना पड़ता है ताकि डस्ट को हटा सकने के लिए, तो पहले झाड़ू मार लेते हैं। मेरा जो घर मूसा था वो अभी हो चुका है, घर मूस मस के अभी हम साफ भी कर चुका, उसको भी साफ कर चुका है। अभी आता है ये कि हम लोग का गेस्ट टेबल का बारे, तो इसका भी अभी साफ करना पड़ेगा। गाइस, आदमी लोग घर में पेंडिंग का कलेक्शन रखते हैं, जूता कलेक्शन रखते हैं, हम लोग घर में क्या कलेक्शन मिलेगा आपको देख सकते हैं, प्लास्टिक और कागज का कलेक्शन है, तो इसको भी एक जगह में समेट के साफ करना पड़ेगा अभी। और हम लोग सोच रहा होगा ऐसा क्यों रखते हैं बोल के, सुबह सुबह आग जलाते हैं देखो, हम लोग इसको रखते हैं, अगर ये नहीं होगा तो आग नहीं चलेगा, पेट्रोल से कौन ना जलेगा, खर्चा ही खर्चा होता है, तो रस्ते का माल सस्ते में। हाँ गाइस, अभी बारी आता है इसका, इसका भी फिनिशिंग टच देना पड़ेगा। तो हाँ गाइस, मेरा जो घर का काम था वो अभी हम कर चुका है, कंप्लीट भी कर चुका है। और जब हम काम कर रहा था तोनी भाई जंगल से आ गया, और तोनी भाई क्या लेके आप लोगों को दिखा देता है, इसका अंदर में है वो, रेडी है देखने के लिए, रेडी 1 2 3। तो हाँ, ये है मशरूम, यस, जो कि भैया जंगल से लेके आया था, का वीडियो आपको भैया का चैनल में मिल जाएगा, तो देख सकते हो इतना बड़ा मशरूम, बाप रे मेरे हाथ का बराबर है, और मेरा हाथ ना काफ़ी भरा है, ठीक है। इसको इधर में रख देते हैं, आसरात का दावत हो गया हम लोग का। ओए क्या कर क्या रहे थे? तो फ्रेंड्स, अभी नहाने जा रहे हैं, हम भाई को पता ही नहीं चले कब कब ब्लॉग शूट कर रहे हैं, बहुत गर्म लग गया था, आगे भी जंगलों से आए हम भी, एंड मेरा ब्लॉग भी जल्द ही आएगा,
तो ब्लॉग्स के लिए दिल थाम के बैठना है। हाँ गाइस जी देख सकते हैं आज का काम मेरा क्या क्या किया है, तो गुलूंग को साफ किया है, फिर इन लोगों को मूछा है, तो देख सकते हैं किस टाइप से मुझे काफी मुझने में हालत खराब हो जाती है क्योंकि घर बहुत बड़ा है ना, एकल आदमी ऐसे भी पकौड़ी को भी रोने में लग जाता है, और गेस्ट टेबल को भी साफ कर चुका है, एंड नीचे वो कुछ कुछ डब्बा है, उन्होंने कभी कभी दिन जब हम ये करेगा नेक्स्ट धूप देगा तब कर देगा समय मिलने। हाँ अभी हमको याद है मेरा जो गिटार था, गिटार का स्ट्रिंग भी टूट गया, बहुत दुख में दिखा देता है, ये मेरा गिटार था जिसका है स्ट्रिंग टूट गया, ये लास्ट वाला स्ट्रिंग टूट चुका है, काफ़ी दुख में हम, लेकिन कोई नहीं इसका अभी हम ये करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा शायद जुगाड़ हो सकता है क्या, चेक करके देख के देखेगा, अगर जुगाड़ होने से ठीक है, और गिटार को भी थोड़ा साफ कर देगा क्योंकि बहुत गंदा गंदा हो चुका है, इसी रखा था, जुगाड़ करता है साफ कर लेता है, इसके बाद मिलता है। हाँ गाइस मेरा जो घर सफा था वो भी हो चुका है, सो घर सफा करके अभी मेरा भैया जो मशरूम लेके आया था, मशरूम का जो पाव होता है यानी कि जो नीचे होते हैं इनको भी काटना पड़ेगा, कुछ इस तरह से देख सकते इतना सारे इनको सबको अभी काटना पड़ेगा, चाकू से काटेगा क्योंकि इसका जो पाव का जो नीचे यहाँ से काट देते एक्चुअली हम लोग तो ऊपर से काट देते ताकि अधमरा ना हो सको इसको खा के, एंड आधा मशरूम को हम लोग जो मासी था उसको भी दे दे वो भी घर में आया था, इसको साफ कर लेता है इसके बाद मिलता है। तो हाँ गाइस जैसे कि देख सकते हैं मेरा जो मशरूम था इसको हम कर चुका, लोकली हम लोग इसको तादार बोलते हैं, हम तादार बार बार बोलने के लिए करते हैं, हम तो तादार ही बोलेगा, तो तादार मतलब मशरूम ठीक है समझ जाओ, जो तादार था उसका पाव लोगे कट के इधर में ऐसा रख चुका, और ये है तादार, कुछ इस तरह से हम लोग इसको काट देते हैं, जैसे बीच से खिड़की बन चुका है, भैया को देख सकते हैं आग जला रहा है, आप बाहर में मौसम गड़गड़ा रहा है फिर से दैट मींस मशरूम निकले कल परसों, अभी बारिश भी होने लग रहे और अभी जैसे आग जला रहा है, डिनर शुरू करेगा अभी से पकाने के, और अगर कोई जंगल से देख रहा है बोलने से ना कभी मत जाऊंगा जंगल, हम लोग के लिए बचा के रख दो मजाक कर रहा है, जो जली जाएगा उसका मशरूम। तो हाँ गाइस हम लोग जो तार था उसको भी बना चुका है, सब्जी को दिखा देते हैं कैसा कैसा है, देख सकते हैं ये है सब्जी, ये है ऑमलेट, ये है हम लोग का तातार, ये है दाल, ये है कुछ घी, अभी हमें अभी शूट करेगा, हम दोनों मुकबंग शूट करेगा नॉर्मल मुकबंग, तो इधर में रख के शूट करेगा, देख सकते हैं कैसे कैसे करता है, तो इसका मुकबंग वीडियो को मेरा भैया का चैनल में मिल जाएगा, सो खाना खा लेते हैं इसके बाद। ओ हाँ गाइस मेरा जो डिनर था आज वो हो गया, बहुत दबा के खाया आज तो पूरा मशरूम, इतना दिनों के बाद मशरूम खाया ना वो भी फ्राई, आय हाय 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 मत पूछो क्या टेस्ट आया, और जो घी था ना आय हाय हाय हाय, लेकिन खाने नहीं मिला है पता है क्यों, क्योंकि भैया इतना सिनेमेटिकली मेरा पूरा घी पिघल चुका था वो वहाँ में, मौसम सुंदर है अभी ना पूरा बारिश है, देश पर मौसम भी ऐसा घूम रहा हो रहा, सुबह धूप था अभी बारिश हो गया, फिर कल भी सेम ही दिखा रहा है ऐसे होगा पूरा मौसम जो, और कल का भी इंटरेस्टिंग दिन होगा पता है क्यों, क्योंकि कल हम लोग का रिजल्ट निकलेगा, हाँ हम लोग जो एग्जामिनेशन दिया था 11th का उसका अभी रिजल्ट निकलेगा, अभी नहीं कल निकलेगा, धक धक हो रहा तो कल का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, हम जरूर ब्लॉग बनाएगा उसका भी, सो कल का वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो कल का वीडियो के लिए भी स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।